हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसका एक्सरसाइज क्या है 13th, जिसमें लेसन का नाम है प्रमुख जैव वैज्ञानिक मीन्स बायो साइंटिस्ट। चलो ये स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट का मीन्स वीडियो बना दिया है लुसेंट का, अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद मीन्स नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था, किनका संबंध प्राकृतिक वर्णवाद से काफ़ी अधिक था? तो था चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता जो होता है, अनुवांशिकता, उसके फादर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेंडल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये मेंडल। फिर डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? कॉर्नवर्ग। फिर है प्लाबमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकलिनटॉक। नेक्स्ट है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क। ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। फिर है जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो बैक्टीरिया की खोज कौन किया था? लिवेन हुक। हर गोविंद खुराना, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज मिला था, तो उन्हें किस क्षेत्र में मिला था? उन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, कब मिला था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो कब मिला था नोबेल प्राइज? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? डार्विन ने ही किया था। फिर स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनी ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। फिर एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए थे? तो वो किनका टीका बनाए थे? चेचक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो वो थे विलियम हॉर्वे। फिर हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? मीन्स प्रतिस्थापन मीन्स होता है उसको दूसरे को लगाना, मीन्स इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना। तो किनके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। इसे भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? मीन्स आप ऐसे ऐसा फिगर देखते होंगे, तो वो किसने रेखांकित किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया था? वाटसन और क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। डार्विन का सिद्धांत, वैसे काफ़ी इसमें मीन्स बहुत सारे लोग इनको अपोज किए हैं कि ये सिद्धांत गलत है और ये कल्पना मात्र पर आधारित है, तो लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को वैसे भी याद करना है किसका है, विकास का सिद्धांत डार्विन का। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? मीन्स सभी जीव जो है, जैसे हम लोग हैं जो भी है, तो वो क्या है? कोशिका से बना हुआ है। किन्होंने कहा था? ये कहा था स्लाइन एंड स्वांस। तो वन आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें मीन्स सुमेलित करना है आपको। तो डीएनए का भी कौन किया था? वाटसन एंड क्रिक, ये भी हम पढ़े थे, वाटसन एंड क्रिक। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसका कौन किया है? कार्ल लेनिस्टर। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, बी या सी में से ही कोई होना चाहिए। लेकिन फिर देख लो, जंपिंग जीन का क्या होता है? जंपिंग जीन का होता है बारबरा मेंडलक। और फिर रेगुलेटरी जीन का क्या होता है? जेकब मोनाड। तो आंसर हमारा क्या है? सी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो किनके द्वारा? वाटसन के द्वारा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एडवर्ड जेनर चेचक का किया था, बिल्कुल सही है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेंसिलिन, एडवर्ड जेनर किए थे। फिर सॉल्क जो है पोलियो के विरुद्ध टीका का खोज किए थे, पोलियो टीका सॉल्क ने किया था। और जो फ्लैंडेस्टिनर ने कुष्ठ रोग का किया था, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। फिर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेनिस्टर को, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। फिर रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था लुई पास्तर के द्वारा। फिर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया?
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? डार्विन। ये पहला ही प्रश्न था हमारा, डार्विन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये भी हम पढ़े हुए थे कुछ देर पहले। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? वो पेनिसिलिन ही था, और ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मीन्स मलेरिया जो होता है वो मच्छर के द्वारा होता है, किन्होंने कहा? रोनाल्ड रॉस। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, सी वी रमन। इन्होंने रमन इम्पैक्ट का खोज किया था, रमन प्रभाव का। इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है ये। और इन्हीं का मीन्स जन्मदिवस तो नहीं, जिस दिन उन्होंने खोज किया था मीन्स 28 फरवरी को, उस दिन हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, लेप्रेसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था? वो थे हैंसेन के द्वारा। नेक्स्ट फिर सुमेलित करना है, तो पहले हम आंसर ही बता देते हैं, सी। देखो, एडवर्ड जेनर जो था वो क्या था? टीकाकरण। फिर वाटसन क्या किया था? द्वि कुंडली। लैंडस्टीनर रुधिर के बारे में पिछले सुलेमित में पूछा हुआ था। और फ्लेमिंग क्या था? पेंसिलिन का। तो उम्मीद करते हैं, देखो जेनर याद ही होगा, लैंडस्टीनर याद होगा, फ्लेमिंग याद ही होगा, और वाटसन में मान लो थोड़ा दिक्कत है, तो अगर आपको 2 या 3 याद है तो आप कर पाओगे एडजस्ट। नेक्स्ट है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो ये अभी तक 3-4 प्रश्न में मैंने डील कर लिया, तो किसने किया था? लैंडस्टीनर ए बी ओ ब्लड ग्रुप का, ठीक है ना। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था? तो इंसुलिन क्या होता है? डायबिटीज के लिए, मधुमेह होता है डायबिटीज इसका मतलब, तो वो होता है, किसने किया था? एफ जी बेंटिंग ने। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो होता है तो इसमें यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है? ओ। लेकिन वही अगर ऑप्शन में आपको ओ प्लस और ओ माइनस भी मिल जाए तो आप ओ माइनस में टिक करोगे, ठीक ना, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ माइनस। तो इसमें 28 प्रश्न ही थे, तो वो मैंने कवर कर लिया, और इसके साथ ही वीडियो एंड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।